बोकारो सर्किट हाउस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जेएमएम के द्वारा शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिस प्रकार से शिबू सोरेन का संघर्ष रहा है और महाजनों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, ऐसे में अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी जनता पार्टी काम कर रहा है लोगों के नाम को भुनाना और लोगों के नाम को बेचना। लड़ाई आदरणीय गुरुजी ने लड़ी है और जो उनका संघर्ष रहा है महाजनों के खिलाफ, ये भारत सरकार को इस बात को देखना चाहिए। अगर कोई मामला आता है तो निश्चित रूप से झारखंड के साथ बेमानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के नाम को भुनाना, लोगों के नाम को बेचना। जब भगवान प्रभु श्री राम के साथ ऐसा हो रहा है तो जो लोग माननीय लोग हैं उनको अगर बेचने का प्रयास हो रहा है तो उसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।